हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपडेट है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 से संबंधित। देखिए, 8 कृषि पर्यवेक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में नव नियुक्त दिव्यांग श्रेणी के कई कृषि पर्यवेक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर फायदा लेकर नियुक्ति पाली। भास्कर ने फर्जी अभ्यर्थियों का खुलासा करने के बाद कृषि आयुक्त ने जाँच के आदेश दिए थे। जाँच में अभी तक 8 नव नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों का दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी मिला है। इसके बाद अब विभाग ने इन सभी 8 अभ्यर्थियों को 1 सितम्बर तक अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। यानी 8 फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं जो कि अपना है दिव्यांग प्रमाण पत्र वो फर्जी लगा के और नियुक्ति ले लेते कृषि पर्यवेक्षक में। तो इन्होंने इनको क्या 1 सितंबर तक का टाइम दिया है कि आप अपना पक्ष रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद देखिए आगे बताया है कि संयुक्त निदेशक केसी मीना ने बताया कि ये 8 अभ्यर्थी जो दिव्यांग कोटे से चयनित हुए हैं लेकिन दस्तावेज में दिव्यांग का प्रमाण पत्र फर्जी लगाया है, यानी जो दिव्यांग श्रेणी का सर्टिफिकेट है वो फर्जी लगा दिया। तो ये आपको अपडेट समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।